अध्याय पांच। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीही से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावा डोल करते हैं वे काट डाले जाते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैल, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो मसीही यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें।